न्यूज 18 आप देख रहे हैं, बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश गाजीपुर पहुंच गए हैं। अखिलेश मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज पहुंचे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इससे जुड़ी हुई कि थोड़ी देर में अखिलेश मुख्तार के परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे। मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक घर जाकर श्रद्धांजलि दी जानी है अखिलेश यादव की तरफ से, परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश यादव मुख्तार की कब्र पर भी जा सकते हैं। मनीष हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो पहले ही कहा जा रहा था कि दर्द अगर इतना सीने में है तो दिखावा क्यों करा उसी दिन जाते ना, जिस दिन मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। अब जब आज पहुंचे हैं परिजनों से मुलाकात करने के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, तो जानकारी दीजिए, इस समय की अपडेट दीजिए कि अखिलेश पहुंच चुके हैं, परिवारजन के बीच में है। जी आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत पिछले 28 तारीख को हुई है, 28 मार्च को। उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक घर पहुंचे थे और वहां पर श्रद्धांजलि दी थी। इसी तरह आज सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मोहम्मदाबाद पहुंचे हैं। वो अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर पहुंचे हैं, जिसके बाद यहां से वो मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पहुंचकर अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिजनों, खासतौर पर उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात करेंगे, उनके भतीजों से मुलाकात करेंगे, उनके बेटे उमर अंसारी से मुलाकात करेंगे और परिजनों को सांत्वना देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वहां से हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र, जो कि कालीबाग कब्रिस्तान में है, वहां भी जा सकते हैं और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी ठीक है, तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स ही फाइनल नहीं हो रहे हैं, जनता के बीच में जाके चुनावी वादे, जनता का भरोसा नहीं जीता जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तार के परिजनों से मिलने के लिए अखिलेश यादव जो है इस समय पहुंच चुके हैं और परिवार को आज शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि कब्र पर भी जा सकते हैं। मनीष यादव जैसा कि बता रहे हैं, मनीष मिश्रा माफ कीजिए, कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी अखिलेश यादव जा सकते हैं। मनीष इस समय परिवार का कौन कौन सदस्य घर में मौजूद है, अफजाल अंसारी मौजूद होंगे और परिजन कौन कौन मौजूद है इस समय और कितना समय बिताएंगे अखिलेश यादव परिजनों के साथ, इस पर जानकारी। यादव के प्रोटोकॉल के अनुसार तकरीबन 45 मिनट तक वो मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर रहेंगे और मुख्तार के पैतृक आवास पर उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी हैं, जो वर्तमान में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के कैंडिडेट भी घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मदाबाद से सपा के विधायक और मुख्तार के भतीजे शोएब अंसारी हैं और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी घर के अंदर मौजूद हैं, मुख्तार के सबसे बड़े भाई शिवगतुल्ला अंसारी घर के अंदर मौजूद हैं। साथ ही सपा के कई विधायक भी इस समय मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के अंदर ही हैं। इन सारे लोगों से, उनके परिजनों से अखिलेश मुलाकात करेंगे, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे।